हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार सर्विस वीडियो। सो आज हम लोग करने वाले इस जीप कंपस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस। इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा प्रोसीजर डिटेल में डॉक्यूमेंट करके बताएंगे, जैसे कि हमारा अंडरबॉडी इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, इसका इंजन ऑयल चेंज, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड वीडियो के एंड में हम लोग आपको इसका प्राइस भी शेयर करेंगे। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। Now guys, about MotoFyx. MotoFyx is India's fastest growing network of new age car repair workshop, offering complete, transparent, predictable and hassle-free relationship with its customer. With over 100 plus workshops across 5 major cities, we have 1.5 lakhs happy customers. Now guys, if you happen to visit our workshop, you may see we use latest tools and equipments, and we have a team of highly skilled technicians taking care of your car all time. Now guys, we also provide free pick and drop service, and we give real-time update of every work getting done in your car. Now guys, we are also into pre-owned car business. If you are planning to buy a pre-owned car, then you may check out our website and also our social media platform. You will get the best deal. So anyways, let's get started with the video. So guys, सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस कार में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर दिस कार इज़ 0W-30। गाइस, आपका सर्विस पैकेज डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट्स ऑप करते हो एंड कार में आप कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो। सो गाइस, फॉर दिस कार हमें इंजन ऑयल के 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो शुरुआत करते हैं डीजल इंजन ऑयल से। तो ये है 5W-30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि रिकमेंडेड है डीजल इंजन के लिए। इसका प्राइस शुरू होता है 530 रुपीज़ पर लीटर से। ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सो अभी हम बात करेंगे 5W-40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल की, जिसका प्राइस शुरू होता है 849 रुपीज़ पर लीटर से। ये प्रीमियम इंजन ऑयल है और ये काफ़ी एडवांस है कंपेयर टू 5W-30। ये भी इंजन ऑयल है रिकमेंडेड डीजल कार के लिए। सो अभी हम बात करेंगे 0W-30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल की, जिसका प्राइस शुरू होता है 995 रुपीज़ पर लीटर से। ये रिकमेंडेड है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के लिए। ये प्रीमियम इंजन ऑयल है और ये फुली सिंथेटिक है। एंड बात करते हैं अभी 0W-40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल की, जिसका प्राइस शुरू होता है 928 रुपीज़ पर लीटर से। इसका विस्कोसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है एट दैट हाई टेम्परेचर। ये भी काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल के साथ हम इस कार का ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करने वाले हैं। पेट्रोल कार के ऑयल फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 229 रुपीज़ से, एंड डीजल कार के ऑयल फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 265 रुपीज़ से। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों भी इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वो सर्विसेबल रहा तो उसे सर्विस कर देंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे। सो पेट्रोल एंड डीजल कार दोनों के एयर फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 670 रुपीज़ से, एंड एसी फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 400 रुपीज़ से। सो हर टाइम हम कार सर्विस करते हैं तो अभी हम लोग इंजन ऑयल का कंडीशन इंस्पेक्ट करते हैं, उसमें कोई स्लजिंग वगैरह है क्या वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिपस्टिक से चेक करें कि उसमें कोई स्लज की ट्रेसेस है या नहीं है। फर्दर हम लोग इसका इंजन ऑयल का कैप खोल के चेक करें कि उसमें कोई स्लजिंग का कोई फॉर्मेशन वगैरह कुछ है क्या। कार के इंजन में स्लजिंग नहीं है तो इसमें इंजन फ्लश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इस कार में ज़्यादा स्लजिंग नहीं था एंड ये कार रेगुलरली सर्विस होती थी, तो इसलिए इसमें इंजन फ्लश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाउएवर, अगर आपकी कार टाइमली सर्विस ना हो एंड उसमें स्लजिंग जमा हो तो आपको इंजन फ्लश यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम इस कार को हाइड्रोलिक रैम में ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके चारों व्हील बेरिंग, स्टेयरिंग रैक प्ले और बॉल जॉइंट्स इंस्पेक्ट करेंगे। सो अभी हम इस कार के फ्रंट का व्हील बेरिंग इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर व्हील बेरिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें होमिंग नॉइज़ आएगा एंड शॉक एब्जॉर्बर में वाइब्रेशंस फील होगा। सो फ्रंट का व्हील बेरिंग ओके है। अभी हम इसका फ्रंट का स्टीयरिंग रैक प्ले और बॉल जॉइंट्स दोनों भी इंस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई प्ले होगा तो हमें पता चल जाएगा ऐसे मूवमेंट में, ऐसे ट्विस्ट करके। तो स्टीयरिंग रैक प्ले और बॉल जॉइंट में भी कोई प्ले नहीं है। ऐसे हम लोग दोनों साइड का सस्पेंशन इंस्पेक्ट करेंगे एंड रियर का व्हील बेरिंग इंस्पेक्ट करेंगे। सो अभी हम लोग इस कार का रियर का व्हील बेरिंग इंस्पेक्ट कर रहे हैं। व्हील बेरिंग ओके। सो इस कार के चारों व्हील बेरिंग्स ओके है। नेक्स्ट हम इस कार के चारों टायर्स डिमाउंट करेंगे एंड इसके चारों ब्रेक्स इंस्पेक्ट करके उसे सर्विस करेंगे। सो अभी हम लोग इस कार के फ्रंट के ब्रेक इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रेक पैड की कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे, उसकी हेल्थ चेक करेंगे। तो ब्रेक पैड आगे ओके चलने के जैसा है। तो इस कार के ब्रेक पैड की हेल्थ ओके है। एंड सेकंड हम इस कार के डिस्क का इंस्पेक्शन करें कि उसमें कोई मेजर लाइनिंग वगैरह कुछ है क्या। इसमें कोई लाइन नहीं है। सो फ्रंट के ब्रेक पैड और डिस्क दोनों काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसे हम लोग सर्विस करेंगे, इसे हम लोग क्लीन करके फिर से इंस्टॉल करेंगे। जब भी हम कार का सर्विस कराते तो हम ब्रेक सर्विस करते हैं, तो उसमें हम लोग कैलिपर पिन का लुब्रिकेशन करते हैं। ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे जो है हमारा ब्रेकिंग का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है एंड हमारे ब्रेक पैड्स की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। तो ये कैलिपर पिन को हम लोगों ने प्रॉपर्ली लुब्रिकेट कर लिया है एंड आप देख सकते हो इसका मूवमेंट कितना फ्री हो चुका है। तो अभी हम रियर के ब्रेक्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इस कार में रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। तो हमने नोटिस किया कि इसके जो रियर के ब्रेक पैड्स है उसमें क्रैक आ चुके हैं, इसमें लाइनिंग्स आ चुकी है एंड इसका जो डिस्क है उसमें रस्टिंग आ चुका है। तो इसका जो डिस्क है उसे स्किमिंग कराना पड़ेगा एंड इसके रियर के ब्रेक पैड्स को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो इसका कोटेशन हम लोग कस्टमर से शेयर करेंगे, कस्टमर हमें अप्रूवल देंगे तो हम इसका काम स्टार्ट कर देंगे। तो इस कार में रियर में भी डिस्क ब्रेक है तो इसके जो कैलिपर पिन है उसे भी हम लोग प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करेंगे एंड देन उसे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार को और ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसका कंप्लीट अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करेंगे। तो अभी हम इस कार का कंप्लीट अंडरबॉडी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले फ्रंट के सस्पेंशन से इंस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग शॉक एब्जॉर्बर के रिफिल, कॉइल स्प्रिंग, ऊपर के किट, लिंक रॉड्स वगैरह सारे कंपोनेंट्स चेक करेंगे। सस्पेंशन के इन शॉर्ट सारे कंपोनेंट्स हम लोग चेक करेंगे, लोअर आर्म के बुशेस वगैरह चेक करेंगे। सो फ्रंट लेफ्ट साइड में सब हमें ओके मिला है। फर्दर अभी हम लोग ऐसे ही राइट साइड का भी सस्पेंशन चेक करेंगे। सो ओवरऑल फ्रंट का सस्पेंशन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ऐसे हम लोग रियर का पूरा इंस्पेक्ट करेंगे, रियर का सस्पेंशन इंस्पेक्ट करेंगे। तो अंडरबॉडी इंस्पेक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि कहीं से गियर ऑयल लीकेज या कोई इंजन ऑयल लीकेज या कूलेंट लीकेज वगैरह कुछ है क्या। लीकेज कंसर्न कुछ कार में होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इस कार में हमें लीकेज का तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। तो रियर का सस्पेंशन चेक करने से पहले हम लोग साइलेंसर की कंडीशन इंस्पेक्ट करेंगे और अंडरबॉडी में जो भी सारी चीज़ें सारे इंस्पेक्ट करेंगे। हम लोग साइलेंसर इंस्पेक्ट करेंगे कि कहीं वहाँ पे क्रैक वगैरह कुछ है या नहीं, या कहीं से कोई ब्रोकन वगैरह कुछ है, वो हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। ऐसे हम लोग फ्यूल टैंक भी इंस्पेक्ट करेंगे कि फ्यूल टैंक में कहीं भी इम्पैक्ट वगैरह कुछ है कि नहीं, कहीं कुछ लीकेज वगैरह है क्या। तो कोई लीकेज नहीं है। तो ऐसे हम लोग रियर का सस्पेंशन इंस्पेक्ट करेंगे कि रियर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं सस्पेंशन में। सो इस कार के फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन में कोई भी काम नहीं है। अंडरबॉडी हम लोगों ने इस कार का पूरा इंस्पेक्ट किया, उसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो कार की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम इस कार में पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करने वाले हैं। पुराना इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है। अभी हम इसका ड्रेन बोर्ड प्रॉपर्ली टाइट करेंगे। तो अभी हम लोग इस कार का ऑयल फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप कंडीशन देख सकते हो पुराना ऑयल फिल्टर का कंपेयर टू द न्यू वन। तो अभी ये न्यू ऑयल फिल्टर हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। नेक्स्ट हम इस कार में इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं एंड इसका भी रियल टाइम अपडेट हम ओनर से शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम इस कार में ब्रेक ऑयल टॉपअप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में कूलेंट टॉपअप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एयर फिल्टर इसका ओके। तो इस कार का एयर फिल्टर अच्छी कंडीशन में, इसे हम लोग एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एसी फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एसी फिल्टर इसका ओके। तो इस कार का एसी फिल्टर भी अच्छी कंडीशन में है, इसे हम लोग एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। कार के बैटरी का हेल्थ चेक करने वाले थ्रू मल्टीमीटर। हम कार को मल्टीपल टाइम स्टार्ट करके बंद करेंगे एंड बैटरी का हेल्थ चेक करेंगे। स्टार्ट करो। नेक्स्ट हम कार के सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑन करेंगे एंड कार को स्टार्ट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कार की बैटरी कितना लोड ले रही है। सो इस कार की बैटरी का हेल्थ अच्छा है। तो अभी हम इस कार का टायर इंस्पेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि कहीं कट या क्रैक वगैरह कुछ है कि नहीं। तो ये टायर 2018 का टायर है, इसमें कहीं भी कट या क्रैक नहीं है। अभी हम इसका डेप्थ चेक करेंगे डेप्थ गेज से कि इसका डेप्थ कितना है। तो इस कार के टायर का डेप्थ काफ़ी अच्छा है, कुछ 5 mm का डेप्थ बता रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। ऐसे हम चारों टायर्स इंस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं। हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, हाई बीम, लो बीम, हैजर्ड, हॉर्न, वाइपर्स, ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लाइट, रियर हैजर्ड। रियर वाइपर्स। नेक्स्ट हम इस कार के चारों पावर विंडोज इंस्पेक्ट करेंगे। ORVMs, cabin lights, ओके, AC, ओके, FM, ओके, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ओके। तो हम इस कार के स्पार्क प्लग्स इंस्पेक्ट कर रहे थे तो जिसमें हमें चारों स्पार्क प्लग की कंडीशन काफ़ी अच्छी मिली, तो इसे हम लोग क्लीन करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार का पूरा OBD स्कैनिंग करेंगे एंड इसका सर्विस रिसेट करेंगे। एवरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस हम कार का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं। हाउएवर इस कार का अलाइनमेंट बैलेंसिंग रिसेंटली हो चुका था एंड कार प्रॉपर चल रही थी। इस कार में अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराना ज़रूरी नहीं था। सो इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में हैं। अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर फोम वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड इंजन पे भी पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। सो गाइस, अगर आपने वीडियो अब तक देख लिया एंड आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो गाइस, इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है एंड द बेसिक सर्विस फॉर जीप कंपास स्टार्ट्स फ्रॉम ₹5,999 ओनली। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।